सब जो है वो हमारे अंदर गिलानी साहब जो है उनको जिंदा रहना चाहिए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि हम लोगों को, हम हमेशा बात करते हैं कश्मीर के फोरम पे जब भी आके, लेकिन हमें एक अहद करना चाहिए कि जैसे गिलानी साहब ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया, क्या हम कश्मीर के मिशन के लिए अपनी अपने आप को वक्फ कर रहे हैं? हम अपने घरों से इंडियन कल्चर को तो छोड़ नहीं सकते। तो सबसे बड़ी जो हम कर सकते हैं, देखें जब इमरान का कमज़ोर तरीन दर्जा ये कहा गया था कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेशक प्रोटेस्ट पे नहीं जा सकते, आपकी और मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम अपने घरों में अपनी औलादों को, और वहाँ पर आप पाकिस्तानियत की खातिर, कश्मीर की खातिर इंडियन कल्चर का बायकॉट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हम सब कर सकते हैं। और पाकिस्तान की ज़ुबान, पाकिस्तान की सकाफत को ज़िंदा रखें। बेशक आप इस शहर में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, आप किसी और मुल्क में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इवन पाकिस्तान में रहने वालों को बहुत ज़रूरत है पाकिस्तानियत को ज़िंदा रखने की। अब आप देखिए शादी ब्याह हो, सालगिरह हो, कोई भी इवेंट होता है, वहाँ पर इंडियन गाने बजाए जाते हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है, हमारे यहाँ पर नौजवान उर्दू ज़ुबान नहीं बोल सकते, लेकिन वो पंजाबी गाने गा सकते हैं, उस पर भंगड़े डाल सकते हैं।